हर इंसान जन्म और मरण के बंधन से महाराज जी मुक्त होना चाहता है। मुक्ति का सही माध्यम या सही रास्ता क्या है? का अब जैसे विवरण में बताने के लिए तो जल्दी किसी के समझ में आता नहीं, लेकिन एक कहानी का माध्यम होता है, तो उस कहानी का माध्यम थोड़ा सुनिए। ये चौपाई और छंद दोहा में तो नहीं है, कहानी जैसा है। तो एक जंगल में एक बाघिन बच्चा दे दिया और मर गई, और नवजात शिशु पड़ा था। तो एक जो है बकरी पालने वाला, वो जो है उसी समय वहाँ पहुँच गया, और पहुँच गया तो देखा नवजात शिशु, तो उसको पकड़ करके उठा करके ले आया और पालने लगा उसी बकरियों में। अब पालने लगा और उसका स्वभाव भी बकरियों जैसा होने लगा। जब वो बड़ा हुआ तो बकरियों जैसा ही भाषा बोलता था, आवाज। तो एक दिन जंगल से एक जंगली बाघ आया बकरियों के शिकार के लिए, तो देखा कि झुंड में, अरे बकरियों के झुंड में ये हमारी जात वाला कैसे है? वो बड़ा विस्मय में पड़ा। तब वो जो है तुरंत वहां से झपटा मारा कि देखा है, पूछा है ये क्यों यहाँ पड़ा है। तो जब सब बकरियां भागी मेमियाते हुए, वो भी मेमियाते हुए भागा, तो जंगली बाघ जा करके उसको पकड़ लिया और कहा कि अरे तू क्यों भाग रहा है, तू तो हमारी जात वाला है। लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ मिमिया रहा था। तो जंगली बाघ उसको पकड़ करके ले आया पानी के किनारे, पानी के किनारे ले आकर के खड़ा कर दिया, कहा कि देख तेरे सकल सूरत में और हमारे सकल सूरत में क्या अंतर है। तो वो जब देखा तो दोनों का सकल सूरत एक ही लगा, तो तब वो कहा कि हाँ सूरत में, सकल सूरत में तो अंतर नहीं है। तो कहा तब तुम हमसे क्यों डर रहा है, लेकिन फिर नहीं कुछ बोला। तो कहा अच्छा ऐसा कर, अगर तू मेरे जैसा ही है तो मैं जैसी आवाज करता हूं वैसा तू भी आवाज कर। तो जंगली बाघ गर्जना किया, तो उसके समझ में आया कि यार ये भी तो हमारे ही जैसा है। वो भी कोशिश करके गर्जना किया, और फिर दोबारा जंगली बाघ जब गर्जना किया तो दोबारा ये भी गर्जना किया, तो सेम टू सेम हो गया। तब वो जंगली बाघ उससे पूछा कि अब बता तू मुझसे डरता है? वो तो कहा मैं तुमसे क्यों डरूं, अरे जो तू है वही मैं हूं। तो इसमें बारीक बात क्या है कि मुक्ति का रास्ता जब कोई संत, कोई पुजारी, कोई जानकार, कोई महात्मा किसी को पकड़ करके और उसे ये समझा दे कि नहीं तुम ये नहीं ये हो, तब उसके समझ में आ जाए तो मुक्ति का रास्ता स्वतः खुल जाए। धन्यवाद जगत जन।